नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस का रिजल्ट आ गया है मेंस का, और कट ऑफ जो मैंने बनाया था कट ऑफ वीडियो कि क्या जा सकती है उसके आसपास ही गई है कट ऑफ। और देखो 19-20 का अंतर रहता है, लगभग वही गई है कट ऑफ। और मैं कह भी रहा था बच्चों को पेपर ईजी आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर आ जाएंगे। नंबर कॉपी चेक करने वाले पर डिपेंड करती है, और कॉपियाँ चेक के बारे में मैंने आपको बता दिया था, रिजल्ट के बारे में बता दिया था। रिजल्ट भी उसी महीने में आया, मैंने आपको पहले ही कह दिया था अक्टूबर में आएगा, और अक्टूबर में रिजल्ट आ गया। और देखो बहुत ऐसे बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कईयों ने तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वाला कमेंट किया है, मतलब मैसेज किया है सर हमारी लाइफ में तो अब कुछ नहीं बचा। कई ऐसे हैं कि सर हमें तो उम्मीद थी हम पास हो जाएंगे पर हम पास नहीं हुए, हमें रीचेकिंग करवानी है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। देखो रिकाउंटिंग हो सकती है, अगर आप चाहो तो नंबर रिकाउंट करा सकते हो जो नंबर दिए, पर रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है जितना मुझे पता है। आप आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवा सकते हो, ठीक है, आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवा सकते हो। वो भी जब मंगवा सकते हो, प्रोसेस कब ओपन होगा, जब सारा कुछ हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू इंटरव्यू का। और इसमें इंटरव्यू की डेट भी दे रखी है, शायद 16 तारीख से इंटरव्यू चालू हो जाएंगे, और जल्दी निपटाएंगे इंटरव्यू को भी, जल्दी ख़त्म करेंगे। और 3 गुना बच्चे सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए 15 गुना होता है, और इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो बोर्ड बैठता है, उसमें ऑनरेबल जस्टिस भी होंगे, डीजे साहब भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे। और इंटरव्यू देखो मैं कोई सलाह नहीं दूंगा इंटरव्यू के लिए, आप कोचिंग ज्वाइन करें बिल्कुल, क्योंकि हालांकि मैंने कभी आरजेएस का इंटरव्यू दिया नहीं है तो मेरा कमेंट करना सही नहीं है इस बात का। बट हाँ, कोई आपके घर में आरजेएस हो उनसे पूछो कि कैसे क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में। हालांकि मैं इतना बता सकता हूँ जितना मैंने सुना है, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, जीके भी पूछ सकते हैं आपसे, लॉ से रिलेटेड ही पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें भी पूछ सकते हैं, और आपकी हॉबी के बारे में पूछ सकते हैं, और आप ऐसे सोचोगे नहीं ऐसे ऐसे टॉपिक पूछ सकते हैं। तो आप प्रिपेयर यही करके जाओ कि आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, नए क्रिमिनल्स लॉ, और अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच, और उस टाइम करंट इवेंट क्या चल रहे हैं जीके में, अपनी होम स्टेट के बारे के पता होना चाहिए उनकी जीके, होम डिस्ट्रिक्ट की जीके पता होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें कुछ ही पूछ सकते हैं। अब बात आती है जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा आरजेएस नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी आएगी, January 5 में आपको नई वैकेंसी नोटिफाई होती हुई दिखेंगी। प्रमोशन की लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो प्रमोशन भी होने वाले हैं, काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, तो प्रमोशन की लिस्ट भी काफ़ी जल्दी आ जाएगी, और प्रमोशन से नई वैकेंसी क्रिएट होंगी लोअर जुडिशरी में। प्रमोशन जेएम के हो रहे हैं, और डीजे साहब के भी, मतलब एडीजे कैडर में भी हो रहे हैं, तो पोस्टें क्रिएट हो रही है। तो आपको मान के चलो 100 से 150 करीब वैकेंसी आपको फ्यूचर में आरजेएस की देखने को मिलेगी। और देखो क्या यार, सिलेक्शन होना नहीं होना किस्मत का खेल भी होता है, आपने मेहनत भी करी होगी। देखो जो मेंस में पहुंचा है वो मेहनत करके ही पहुंचा है, और कभी कभी दिन भी नहीं होता अपना, काफ़ी लोगों का पेपर भी छूटा होगा, काफ़ी लोगों का बहुत कुछ हुआ होगा, याद नहीं आ रहा होगा, कोई और चीज़ हो गई होगी, बीमार होंगे, या किसी और चीज़ के कारण पेपर में सही नहीं कर पाए होंगे। बट फ्यूचर का आप सोच के चलो, जो बच्चे रह गए वो फ्यूचर का सोचे, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था तो उनको टेंशन लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस हुआ आपको, जो आपने गलतियां करी उनसे सुधार करें उन गलतियों को, और अगली बार दे। और आरजेएस वैकेंसी अगली बार आपके गर्मियों के आसपास, मार्च में आसपास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप देख ही सकते हो इस बार बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट किया है इन्होंने। और कंडीशन ये है कि रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉज ऐड करने पड़ेंगे, वो जल्दी हो जाएगा तो आपको जल्दी आरजेएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और रूल्स का ये प्रोसेस है, आरपीएससी के पास जाएगा, आरपीएससी से गवर्नर साहब के पास जाएंगे, वापस हाईकोर्ट जाएंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो रूल्स तो चेंज करने पड़ेंगे। और रूल्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि जीके ऐड हो जाए, एक्सपीरियंस ऐड हो जाए, या और कुछ ऐड हो जाए, इसके बारे में कोई चर्चा है नहीं। अगर कुछ होगी तो मैं आपको बता दूंगा, इस चैनल से जुड़े रहना। जो बच्चे रह गए हैं वो राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, और उन्होंने फॉर्म भी फिल किया होगा, तो राजस्थान एपीओ की ढंग से तैयारी करो, लगभग 3 महीने ही बचा है, और प्री मेंस होने जा रहा है, इसमें मेंस के लिए काफ़ी टाइम मिला है, 5-6 महीने मिला है, तो प्री के साथ मेंस की तैयारी भी करना। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और बच्चे काफ़ी डिमोटिवेट है। देखो किसी के हम भी हो सकते हैं डिमोटिवेट, हम थोड़ा बस
थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, इन चीज़ों से निकल लिए, पहले भी मेंस में रहे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती है। और मेरे से मत पूछना कि सर आपका क्या हुआ रिजल्ट, आप गैस कर लेना, आपकी जो इच्छा है कमेंट कर लेना। कुछ बच्चे देखो, कुछ बच्चे चाहते होंगे कि मैं पास हूँ, कुछ बच्चे चाहते होंगे मैं फेल हूँ, और फेल होने की कैटेगरी जो चाहते होंगे बहुत कम है, वो कमेंट से पता चल जाता है, तो मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और बाकी फेल और पास चलता रहता है, इससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ो और अपना काम करें, अगर इसमें आपको समझ नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस लाइन में जाएं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर ले, जो भी आपको सही लगे। और छत्तीसगढ़ में भी सिविल जज की वैकेंसी आ रही है, छत्तीसगढ़ में 57 करीब सिविल जज की वैकेंसी आएगी, वहाँ की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। सिलेबस पैटर्न आरजेएस जैसा ही है, उसमें अभी नए रूल्स चेंज करके जीके ऐड जरूर की गई है। मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ये चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं कि आरजेएस में सिविल मेंस का पेपर भी होता है, क्रिमिनल का पेपर भी होता है, हिंदी लैंग्वेज का भी होता है, तो उसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का प्लस जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ये है। अगर आपने वीडियो देखा तो देख लो चैनल पे जाके। दिल्ली का भी रिजल्ट आएगा, दिल्ली की वैकेंसी भी आएगी, हिमाचल प्रदेश की भी सिविल जज की वैकेंसी आएगी, गुजरात में भी सिविल जज की वैकेंसी आएगी, वेस्ट बंगाल में भी सिविल जज की वैकेंसी आएगी, और मुझे याद जितना रहा मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन वैकेंसी को भी टारगेट कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी को तो बिल्कुल आरजेएस जैसा ही पैटर्न है, 2-4 लोकल लॉ हैं, वो आप पढ़ सकते हो। हिमाचल प्रदेश में शायद 21 वैकेंसी मैंने बताया था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, अगर वो वीडियो देखा तो देख लो जाके, मैंने उसमें सिलेबस भी बता रखा है और ये सारी चीज़ें। तो आरजेएस का रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ काफ़ी हद तक कम ही गई है, पेपर इजी था उसके हिसाब से कट ऑफ काफ़ी कम गई है, क्योंकि नंबर नहीं मिलते। तो जिन जिन के मन में ये था कि हाँ हमने तो बहुत अच्छा किया है, बात यह है कि उनको समझ में आ रहा है क्या। और कॉपी आप देख सकते हो कितनी जल्दी चेक हुई है, 1 महीने में इन्होंने कॉपियाँ चेक कर दी। तो जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको प्लस पॉइंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। आरजेएस में सिलेक्शन मतलब ये देखो, सबको आता है, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर तो आया भी नहीं था, अभी तो रटने वाला पेपर है, रटने वाले में जो रट के बैठे हैं वो पास कर जाते हैं, और जिनकी राइटिंग अच्छी है, क्योंकि राइटिंग अच्छी है तो उनको पढ़ने में भी आसानी होगी उन्हें जल्दी जल्दी, और जिनकी राइटिंग ख़राब है उनको वैसे ही ड्रॉबैक है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा और नंबर नहीं मिले होंगे। तो राइटिंग पे भी अगर काम कर सकते हो तो काम करो, अभी समय है आपके पास, अगले साल ये वैकेंसी आएगी। और कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड ही है, और नेक्स्ट वैकेंसी अगले साल आपको देखने को मिलेगी, ये मत सोचो कि नहीं आएगी, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं आएगी, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जो भी आपके मन में डाउट है मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली अपडेट देता हूँ आपको, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।